अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे। 50 एकड़ है जमीन हमारी, हमारे बाप का नाम सेठ बारराम है, हमको थोड़ा थोड़ा कर दे के हमको वो नहीं दे रहा। कौन नहीं दे रहे आपको? बाप मरने के बाद भाइयों ने एक-एक करके बढ़ा दिया हमको, अब भाइयां तीनों बांट लिए। हमारे को हक दिलाओ, अब हमारे को हक दिलाओ। पुलिस स्टेशन को गए थे आप? परेशानी है, पुलिस वाले आ रहे हैं, बच्चों को उनको भी जाए तो पुलिस वाले आ रहे हैं, नहीं दे रहे हक हमारे को, हक दिलाओ हमको। ये कितने दिन से चल रहा है? 5 साल हो रही है रात चलते हुए। पुलिस स्टेशन को गए तो क्या बोले आप? दिलाते नहीं, जमीन पे आए तो क्या बोल रहे? केस बुक करते हैं, नक्को आओ बोल रहे। कौन बोल रही है? पुलिस वाले। ये जमीन हमारे सास ससुर की है, हमारी बीवी की, उसको क्या करें? उसके भाइयों ने 5 एकड़ जमीन दे दी, दे के हटा दिए, पट्टा कट कर दिए, बताया 50 एकड़ जो बची वो लोग बेची। हमारे को जमीन नहीं दे रहे, हम किराए के घरों में रह रहे, हम बीमार हो गए, खेत बाड़ी करते हम बीमार हो गए, हमारे को अब हक नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? कितने साल से रह रहे किराए के घर में आप? कितने साल से रह रहे? अब ऐसा तो हम 10 साल से रह रहे। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे आप? हाँ, भिजाया था इनको, हमारे बीवी साहब को भी जाया था, पुलिस वाले बोले कुछ नहीं होता, यहाँ आना नहीं, वहाँ जाके काम भी नहीं रुकाना बोले। अभी क्या चाह रहे आप हुकूमत से? हमारी जमीन हमको होना, हमारा हक मिलना ना, सब मिलना नहीं। भाई ये पोपालगुड़ा नारसिंगी विलेज में, नारसिंगी में इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए आके रुका रहे थे हम लोग, हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, हमारी तरफ से हम कोई इलीगल स्टेप नहीं लिए यहाँ पर अभी तक, और ये बिल्डर लोग सारे इलीगल का काम करा रहे हैं यहाँ पर। रुकाने के लिए आए तो हम पे केसा वगैरह बुक करके, बल्कि पुलिस वालों की तरफ से भी हमारे को ये हो रहा, और ये कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा, हम लोग ऑलरेडी 15 दिन पहले यहाँ पर पीछे बोर्ड लगा के यहाँ की पब्लिक को बतलाना चाह रहे थे कि देखिए भाई ये इलीगल का आप लोग जिससे लिए हुए हैं, ये लोग चोर डॉक्यूमेंट्स बना के आप लोगों को ज़मीन बेच रहे हैं, आप लोग मत खरीदिए, ये सारे पट्टेदार लोग यहाँ पर हैं जो पिछले 4-5 साल से केस लड़ते आ रहे हैं, और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हम काम कर रहे हैं। ये सेठ बलराम की बेटी है यहाँ पर, और उनकी बहनें हैं ये सारे जो हिस्सेदार होते हैं यहाँ पर, और ये कोर्ट से ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि ये बहनें हैं, जब ही जाके हमारा कोर्ट हमारा केस एक्सेप्ट करे। क्या ऑर्डर दिए भाई कोर्ट? हमारे पास एक डॉकेट ऑर्डर है, डॉकेट ऑर्डर के बेस पे हम आगे रुका रहे हैं, ये पिछले 5 साल से हम लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, ये लोग आ नहीं रहे कोर्ट को, और सिर्फ डेट पे डेट लेते जा रहे हैं वो लोगों की तरफ से, तभी हम जाके कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा पिक्चर डाल के कंस्ट्रक्शन रुकाने की कोशिश करें हम लोग, मगर फिर भी कंस्ट्रक्शन नहीं रुका। IG SRO से लेके SRO GHMC ऑफिसर्स सारे जितने हैं ना, होम मिनिस्टर साहब को दिए हम लोग, कमिश्नर साहब को दिए, चीफ प्लानर ऑफिसर्स को दिए, सारी कंप्लेंट्स दिए हम लोग, कमिश्नर मेट्रोपॉलिटन हमडाग वालों को दिए, डिस्ट्रिक्ट विजिलियंस इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को हम लोग कंप्लेंट डाले, जोनल कमिश्नर साहब को हम कंप्लेंट डाले, चीफ सिटी प्लानर साहब को हम कंप्लेंट डाले, डिप्टी कमिश्नर है, सब रजिस्ट्रार है गंडीपेट, और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को, ये सारे लोगों को हम ऑलरेडी, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब को हम सारी चीज़ें ये बतलाए जाकर कि सब इस पर इलीगल रजिस्ट्रियाँ हो रहे हैं, तो सो सर्वे नंबर के ऊपर रजिस्ट्रियाँ हो रहे थे, सर्वे नंबर 176, 231, 232, 233, 234, 35, 236, 237, ये सारे रजिस्ट्रियों को रोकने के लिए हम जाके सब रजिस्ट्रार के साथ कंप्लेंट डाले, तो सब रजिस्ट्रार साहब बोलते हैं कि सर सर्वे नंबर पे नहीं हो रहे रजिस्ट्रिया, डोर नंबर पे हो रहे रजिस्ट्रिया, फिर हम जाके बोले सर यही सर्वे नंबर का डोर नंबर आप लोग ये करें, ये डोर नंबर के रजिस्ट्रिया भी रुकाइए, वो तो हम नहीं रुका सकते बोल के बोल रहे वो लोग, तो हम ऑलरेडी फिर कंप्लेंट डाले, कोर्ट का कोई मायने ही नहीं रहा है यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ रोडिज़म चल रहा है, बिल्डरों की तरफ से रोडिज़म चल रहा है, पता नहीं कि भाई ये गरीब लोग कहाँ जाना, हम गरीब लोग कहाँ जाना, बाप दादा के ज़माने से हम यहाँ पर ज़िराअत कर लेते आ रहे, यहाँ पर हमारा ज़िंदगी गुजारे, हमारे बच्चे बड़े हो गए यहाँ की ज़मीन पे, फिर भी हम हमारी ज़मीन के ऊपर नहीं आ सक रहे, क्या दौड़ जनी है भैया? ये कितनी ज़मीन है? ये पूरी 50 एकड़ है सर। ये एक ओनर की है और कोई है इसके अंदर? नहीं, एक ओनर को पीटी हुआ था सेठ बलराम करके, ये सेठ बलराम के बहने हैं, ये बेटी है, बहने हैं, पूरे दामाद है, सारे लोग हम हिस्सेदार होते, जिसको हमारी तरफ से हमारे को कोई हिस्सा नहीं मिला, जिसमें से 5 एकड़ भाई लोग बेच लिए,
बहन लोग बेचे 5 एकड़, बाकी के एकड़ कुछ भी किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर। जो जमीन उनके पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट है जो हम बेचे, हमारी तरफ से, हमारी बेटी के बहन की तरफ से, बेटी की तरफ से, दामाद की तरफ से, हमारे रिश्तेदारों की तरफ से एक पेपर लाइए, लाके हमारे को एक पेपर बताइए कि भाई हम ये खरीदे बोलकर। आपको पीएस को सा लगता है कि नारसिंह की पीएस पर? तो क्या बोले नारसिंह में कंप्लेंट करो, नारसिंह की मैं उल्टा हमारे ऊपर ही कंप्लेंट करने बोले, वहाँ पर जमीन पर नहीं जाना आप लोग, अगर आप लोगों को कुछ भी है तो कोर्ट पर जाओ। अरे हम कोर्ट को ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास, बोले कंस्ट्रक्शन तो रुको, बोले वो हमारा काम नहीं है, हम जमीन पे आ रहे तो उनका काम आ जा रहा है वहाँ पर। कोर्ट में क्या ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चला रहे हैं उनका नाम क्या है? ये डिफरेंट बिल्डर्स है सर जी। और ये यहाँ पर के जितने 80 मेंबर पे हम ऑलरेडी केस कर चुके हैं जी, 80 मेंबरों के ऊपर हम ऑलरेडी केस करे, और इतना केस करने के बाद भी पुलिस का कोई एक्शन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई परमिशन नहीं है, कोई हमडा की तरफ से परमिशन नहीं है, जीएचएमसी का कोई परमिशन नहीं है, 5-5, 8-8 फ्लोर कंस्ट्रक्शन चल रहा बगैर परमिशन के, हमारी तरफ से कोई बेची हुई ज़मीन के ऊपर एक परमिशन बतलाइए आप, हमारा एक सिग्नेचर बतलाइए, हमारा लिखा हुआ एक पेपर बताइए, हम यही बात बोल रहे हैं, हमारे को यही बोलना है, हमारा ज़मीन, हम गरीबों का ज़मीन हमारे को देता लो, हम आपकी तरह बिल्डरों की तरह हम अमीर नहीं है, कौन सा बिल्डर कहाँ से आके क्या कर रहा क्या है हमें ताल्लुक नहीं है, हमारे ज़मीन पर यह गुंडागर्दी चल रही, हमारी ज़मीन पर पुलिस को पैसा दिया जा रहा है, पता नहीं हमें क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें पुलिस वाले आके बोल रहे ज़मीन पे नहीं आना, हमारी ज़मीन पे, हमारे बाप दादा ना गिरे ज़मीन पे, हम नहीं आना तो कौन आना फिर? बोलिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से सीएम केसीआर साहब से अपील करता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शनों के लिए रुकाने के लिए हम गरीबों की मदद करें, हम गरीब लोग हैं पूरे, हमारे पास कोई नहीं है, हम किराए के घर में रह रहे, यहाँ पर हमारी ज़मीन पर लोग मकान बना के रह रहे, हमारे को तकलीफ हो रही है, आप हमारे सारे लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पूरे सारे लोग आए हुए हैं पूरे, हमारे को कोर्ट का क्या, कोर्ट का इंसाफ आने तक का इंतज़ार करो, कोर्ट का जजमेंट का इंतज़ार करो, ये कंस्ट्रक्शन नहीं होना बोलकर हमारी अपील है भाई, उसे अपील कर रहे हैं कि बस ये कंस्ट्रक्शन रुकाए और हमें इंसाफ दिलाए। अभी हम लोग सब रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस पर आए हुए हैं, यहाँ पर आके हमारी जो अर्जी थी वो अर्जी को हमने दाखिल करने के बाद भी रजिस्ट्रिया यहाँ पर कंटिन्यू हो रहे हैं, उस कंटिन्यू के बारे में हमने बताया कि मैडम को, कि भाई मैडम बहनों का हक, ये बहनें हैं सारे, इनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं, बस आप रजिस्ट्री आप ही रोकिए, रोकने के बाद हम ये बात बोले तो मैडम क्या बोल रहे हैं, अगर ऊपर से ऑर्डर है तो हम रजिस्ट्री नहीं रुका सकते बोल रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट में ये लैंड ग्रैबर्स को कौन राइट्स दे रहा है भाई? तेलंगाना गवर्नमेंट को हम इतनी मुश्किल से हम फिर जिता के, हम केसीआर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आईटी मिनिस्टर केटीआर साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हरीश राव साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जीएचएमसी मिनिस्टर है नागेंद्र साहब, आप ये कंस्ट्रक्शन इलीगल जो यहाँ पर हो रहे हैं उसको रुकाने की मैं आपसे आज एक अर्जी डाल रहा हूँ, मैं हमारी तरफ से, हमारे पूरे गरीबों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, ये कंस्ट्रक्शन को रुकाइए और हमें इंसाफ दिलाइए, हम बहनों का इंसाफ हम सिर्फ लड़ेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, हमारे घर बिक गए, हमारे जेवर बिक गया, हमारी गाड़ियाँ बिक गए, स्कूल से बच्चों को निकाला गया हमारे, सिर्फ पैसे नहीं होने की वजह से, हम जितना पैसा हो सक रहा थोड़ा थोड़ा जमा करके हम कोर्ट में लड़के ऑर्डर्स लाने के बावजूद भी हमें हक नहीं मिल रहा है, हमारे हक के लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम धरने पर बैठेंगे, इन जो बिल्डर्स है ये पैसा देकर गवर्नमेंट ऑफिसरों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इन गवर्नमेंट ऑफिसरों को भी चेतावनी दे रहा हूँ कि वो अब संभल जाए, टीआरएस गवर्नमेंट में कोई रिश्वत नहीं चलेगी, हमें हक जब तक नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे, हम मरते दम तक लड़ेंगे, मैं सब रजिस्ट्रार मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, जिसकी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में मैडम कह रही है कि अगर मेरे को ऊपर से ऑर्डर आए तो मैं नहीं रुका सकती बोल रहे मैडम, अगर मैडम नहीं रुकाएंगे तो कौन रुकाएगा फिर ये रजिस्ट्री, वो रजिस्ट्री हो जाने के बाद हमें फिर कैंसिलेशन के लिए 2 साल और मेहनत करना पड़ता कि भाई ये रजिस्ट्री इलीगली हुई इसको कैंसिल करने के लिए, फिर उसके लिए हमें पैसा चाहिए, अरे भाई हम खुद सूद पे पैसा ला के खाना खा रहे हैं, सूद पे हम तेलंगाना गवर्नमेंट की उम्मीद पे, एक उम्मीद से ये गवर्नमेंट हमारे गरीबों का अच्छा करेगी, बोलते ये गरीबों का कोई अच्छा नहीं हो रहा है, ये गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, बिल्डरों का जुल्म हो रहा है गरीबों के साथ, मैं चाहता हूँ कि पूरी आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है और वो जो ख़रीदने वाले उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये धोखा देकर बिल्डर आप लोगों को ज़मीन घर फ्लैट बेच रहे हैं, मत खरीदिए आप लोग, ये सारे केसों पे आएंगे, आपका क्या हाल राइट्स है कोर्ट से क्या
हमारे तरफ से कोई नहीं बेचा, हमारी तरफ से बेचा हुआ एक डॉक्यूमेंट लाके बताइए, एक डॉक्यूमेंट जिस पे हमारे लीगल हेड्स के सिग्नेचर हो। कितनी जमीन सिक्का कहाँ पर की है? गोपालगुड़ा, गोपालगुड़ा विलेज। भाई हमारे बड़े लोगों की समाधि भी वही है जहाँ पर हमारे बाप दादा के जमाने से नागर कर लेते आ रहे हम लोग। हम एक जिरात करने वाले किसान लोग हैं, किसानों के साथ जुल्म हो रहा, किसान जहर खा रहा और वो जहर को कंटिन्यू कर रही है। एक और इतने बिल्डिंग रोकने के लिए गए थे, हमारे ऊपर केसा कर रहे। हम जब भी रोकने के लिए यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा रोकने के लिए गए, पुलिस वाले हमें अरेस्ट कर रहे, हमारे ऊपर केसा करते बोल के डरा रहे, बोल रहे सर हमारी जमीन हमारा पेपर बोले तो दूसरे केस आकर के अंदर कर देता हूँ, बोल रहे डरा रहे ऐसा हमारे। भाई तेलंगाना हुकूमत से, केसीआर साहब से, आईटी मिनिस्टर केटीआर साहब से, हरीश राव साहब से, जीएचएमसी मिनिस्टर नागेंद्र साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो कंस्ट्रक्शन रुकाया जाए, हम गरीबों को हमारा हक दिलाया जाए। अगर हमारा हक नहीं है, हमारा हक नहीं है तो एक पेपर ला के बताइए कि हमारा हक नहीं है, हम ला के बताते हैं हमारा हक है। एक बलराम का जमीन है, हम गरीबों की अपील है कि हमारे को हमारा हक दिलाए। मीडिया से हमारी रिक्वेस्ट है भाई, मीडिया पीपुल, ये पब्लिक तक हमारा मैसेज पहुंचाओ कि मीडिया वाले के सारे पब्लिक को ये जागरूक करो कि भाई ये इल्लीगल आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो है पूरे इल्लीगल है। हमारी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर है तो आप लेकर अगर बता सकते हैं। हम मीडिया से चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। हम सारे लोग मखदूम्स बिग मॉल, एक ऐसी जगह जहां दूल्हा दुल्हन बाराती बच्चे और सारे परिवार के लिए शेरवानी, खड़ा दुपट्टा, कुर्ता पैजामा, शरारा सूट, कोट सूट्स, डिजाइनर साड़ीज, शर्ट पैंट, लॉन्ग फ्रॉक एंड फिश कट सूट्स। लिफ्ट की सहूलत के साथ फुली एसी मॉल, मखदूम्स बिग मॉल, ऑपोजिट कमान मदीना बिल्डिंग, चार मीनार रोड, हैदराबाद।